हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हमारा आज का टॉपिक है मेन प्रोविजंस ऑफ चार्टर ऑफ 1726। जो चार्टर बनाया गया था 1726 में, उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। टिल द ईयर 1726 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फुल कमांड ओवर द इंडिया। 1726 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फुल कमांड थे इंडिया की, फुल कंट्रोल था इंडिया पे। द कंपनी एस्टेब्लिश्ड मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाता एज प्रेजिडेंसी स्टेट्स एंड अडॉप्टेड इंग्लिश लीगल सिस्टम इन देम। तो जो कंपनी है, कंपनी ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता को एज ए प्रेजिडेंसी स्टेट से एस्टेब्लिश किया और वहां पे इंग्लिश लीगल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। इन 1726 द कंपनी फेल्ट फॉर द चीप एंड इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम। और 1726 से पहले की ये बात ऊपर हमने की है, बट 1726 में जो कंपनी का जो जुडिशियल सिस्टम था वो काफी मतलब गलत डिसीजंस वगैरह होने लगे, काफी उसमें डिफेक्ट्स वगैरह होने लगे। फॉर ऑल दिस द किंग ऑफ इंग्लैंड डिमांडेड अ न्यू चार्टर फॉर प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वजह से जो इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने बोला कि न्यू चार्टर को मतलब बनाना चाहिए, न्यू चार्टर की डिमांड की उन्होंने, जो कि उसमें ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा सही जुडिशियल सिस्टम बनाया जाए। इन 1726 से चार्टर वाज इशूड, चार्टर ऑफ 1726। तो 1726 ईस्वी में एक चार्टर को इशू किया गया, इस वजह से इसको चार्टर ऑफ 1726 बोला जाता है। द प्रोविजंस ऑफ रॉयल चार्टर ऑफ 1726 में बी स्टडीड अंडर थ्री हेड्स। तो इस चार्टर को हम तीन हेड्स के जरिए इसके प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, देन है जुडिशियल प्रोविजंस, आफ्टर दैट लास्टली है लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की। टू सेट अप द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ए कॉर्पोरेशन इन ईच सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को मेंटेन करने के लिए, सेटअप करने के लिए एक वहां पे कॉर्पोरेशन बनाई गई। कॉर्पोरेशन हम बोल सकते हैं एक अथॉरिटी वहां पे बनाई गई जो हर सिटी में एस्टेब्लिश की गई प्रेजिडेंसी टाउन्स की। द कॉर्पोरेशन कंसिस्टेड ऑफ अ मेयर एंड नाइन एल्डरमैन। उस कॉर्पोरेशन में एक मेयर और नौ एल्डरमैन रखे गए। द मेयर एंड सेवन एल्डरमैन वर टू बी ब्रिटिश पर्सन्स व्हाइल टू एल्डरमैन कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। तो जो तो एक मेयर था और जो सेवन एल्डरमैन थे वो तो ब्रिटिश पर्सन होने चाहिए, और जो दो एल्डरमैन है वो किसी भी नेशनैलिटी के हो। द फर्स्ट मेयर एंड एल्डरमैन वर टू बी अपॉइंटेड बाय द चार्टर इटसेल्फ। तो जो फर्स्ट मेयर है और एल्डरमैन है वो चार्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, चार्टर के द्वारा ही अपॉइंट किए गए। देयर आफ्टर द मेयर वॉज टू बी इलेक्टेड एनुअली बाय द एल्डरमैन। और उसके बाद जो मेयर है उसको, मेयर को इलेक्ट किया जाने लगा एनुअली बेस पे बाय एल्डरमैन। कुछ एल्डरमैन होते थे तो जो कुछ एल्डरमैन है वो एक पर्सन को, एक एल्डरमैन को चूज करते थे, जो सीनियर मोस्ट एल्डरमैन उसको मेयर बनाया जाता था। दे कुड बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर इन काउंसिल ऑन अ रीजनेबल कॉज। तो जो मेयर है, अगर मेयर ने कोई भी गलती करी है तो गवर्नर इन काउंसिल के पास पावर थी कि उसको रिमूव किया जा सकता था मेयर को उसके पोस्ट से। सेकेंडली हम बात करेंगे जुडिशियल प्रोविजन की। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रॉयल चार्टर ऑफ 1726 वॉज टू एस्टेब्लिश अ डेफिनेट एंड यूनिफॉर्म जुडिशियल अरेंजमेंट। तो रॉयल चार्टर जो 1726 में पास किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि जुडिशियल अरेंजमेंट्स को यूनिफॉर्म तरीके से अपनाया जाए, कि जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है इनकी यूनिफॉर्मिटी हो, सेम हो सब जगह। ऐसा नहीं है कि मद्रास में कुछ और चल रहा है, बॉम्बे में कुछ और चल रहा है, कलकत्ता में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ रिजल्ट द फॉलोइंग प्रोविजंस वर मेड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट। ए मेयर्स कोर्ट इन ईच टाउन वॉज एस्टेब्लिश बाय दिस चार्टर। 1726 के चार्टर के द्वारा मेयर कोर्ट हर टाउन में, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, हर टाउन में मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश हुई। द कोर्ट वॉज कंसिस्टेड वन मेयर एंड नाइन एल्डरमैन। तो मेयर कोर्ट में वन मेयर एंड नाइन एल्डरमैन होते हैं। द कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू डिसाइड ऑल सिविल, क्रिमिनल एंड नॉमिनेशन केसेस। तो कोर्ट को पावर दी गई मेयर कोर्ट को कि वो सिविल, क्रिमिनल और नॉमिनेशन केसेस के साथ डील कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। बींग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट कुड पनिश पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। और मेयर कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया मेयर कोर्ट को, जिसके वजह से उसके पास पावर थी कि अगर मेयर कोर्ट के कोई कंटेम्प्ट करता है तो मेयर कोर्ट उसको पनिश कर सकती थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। अपॉइंटमेंट ऑफ शेरिफ्स। शेरिफ्स होते हैं जूनियर मेंबर्स ऑफ द कोर्ट को शेरिफ्स बोला जाता है।
द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट वॉज टू बी एग्जीक्यूटेड बाई द शेरिफ्स, जो कोर्ट के प्रोसेस वगैरह होते हैं शेरिफ्स के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। द जूनियर मेंबर्स ऑफ द कोर्ट हु आर टू बी चूजन एनुअली बाय द गवर्नर एंड काउंसिल, गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा इनको चूज किया जाता है एनुअली बेस पे कि जूनियर मेंबर्स कोर्ट के कौन होंगे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द शेरिफ्स वॉज अप टू द 10 miles रीजन नियर बाय द प्रेजिडेंसी टाउन, प्रेजिडेंसी टाउन के नियर 10 miles का एरिया जो है वो शेरिफ्स की ज्यूरिसडिक्शन मानी जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपिलेट कोर्ट, देर वॉज अ प्रोविजन इन द चार्टर टू कॉन्स्टिट्यूट एपिलेट कोर्ट, चार्टर ऑफ 1726 में ये भी प्रोविजन दी गई है कि एपिलेट कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। एन अपील फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द मेयर्स कोर्ट मे बी फाइल्ड टू द गवर्नर एंड काउंसिल, अपील फाइल की जा सकती है अगर मेयर कोर्ट के डिसीजन से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है गवर्नर एंड काउंसिल के पास। इट वॉज टू बी फर्स्ट अपील, गवर्नर एंड काउंसिल के पास जो कि अपील की जाएगी ये फर्स्ट अपील मानी जाएगी। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल वॉज फाइनल इन द केसेज इन्वॉल्विंग द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर अप टू 1000 पगोडाज, 1000 पगोडाज से नीचे की वैल्यू या 1000 पगोडाज तक की वैल्यू के जो भी केसेज वगैरह इन्वॉल्व होंगे सब्जेक्ट मैटर वैल्यू वगैरह के रिगार्डिंग, जो गवर्नर एंड काउंसिल ने डिसीजन दिया होगा उतने तक के वो केसेस वगैरह जो है वो गवर्नर एंड काउंसिल का ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसके लिए अपील नहीं की जा सकती, नेक्स्ट आगे फर्दर अपील नहीं की जा सकती। बट इन द केसेस इन्वॉल्विंग द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर अबव 1000 पगोडाज, बट जहां पे केसेस की जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की वो 1000 पगोडा से ज्यादा है वहां पे फर्दर अपील की जा सकती है प्रिवी काउंसिल को, प्रिवी काउंसिल या किंग इन काउंसिल दोनों का मतलब एक ही है। दिस वॉज टू बी सेकेंड अपील एंड इट्स डिसीजन वॉज फाइनल, तो ये जो प्रीवी काउंसिल है किंग इन काउंसिल में अपील की जाएगी ये सेकेंड अपील ट्रीट की जाएगी और इनका डिसीजन फाइनल होगा। जस्टिस ऑफ पीस, ए प्रोविजन वाज आल्सो मेड इन द चार्टर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर एंड 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एज जस्टिस ऑफ पीस इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए उनके डिसीजन वगैरह करने के लिए उनसे डील करने के लिए चार्टर के द्वारा एक गवर्नर और 5 सीनियर मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की गई, उनके काउंसिल वगैरह बनाई गई जिनको जस्टिस ऑफ पीस बोला जाता था हर प्रेसिडेंसी टाउन में, मद्रास में भी, बॉम्बे में भी, कैलकाता में भी। द टेक्निकल फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्रिमिनल जुडिकेचर ऑफ देम वर अलाइक टू द जस्टिस ऑफ पीस ऑफ इंग्लैंड, तो इनके जो टेक्निकल फॉर्म्स हैं प्रोसीजर हैं क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम वगैरह को ऑपरेट करने के वो वैसे ही माने जाएंगे जैसे कि जस्टिस ऑफ पीस ऑफ इंग्लैंड है, कि मतलब जैसे इंग्लैंड के जज डिसीजंस वगैरह देते हैं उनके प्रोसीजर हैं इनके भी वैसे ही सेम होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेशन कोर्ट, फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस सेशन कोर्ट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, ऑफेंसेस का ट्रायल करने के लिए सेशन सेशन कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। दीज कोर्ट्स होल्ड क्वार्टर सेशंस एटलीस्ट 4 times अ ईयर फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, तो जो ये कोर्ट्स हैं सेशन कोर्ट है, इनका मतलब क्वार्टर में क्वार्टरली सेशंस वगैरह होल्ड करती थी ये एटलीस्ट 4 times अ ईयर फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, अगर ऑफेंसेस का ट्रायल वगैरह करने होते थे उसके लिए पूरे, जैसे क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 months, तो 1 साल में 12 महीने होती है तो 12 by 3 करेंगे तो 4 हुआ, तो मतलब 4 quarters हुए, तो 4 बार ये सेशन कोर्ट होल्ड की जाती थी साल में। ज्यूरी ट्रायल एंड क्रिमिनल केसेस, द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस वॉज विद द हेल्प ऑफ द ज्यूरी, तो जो क्रिमिनल केसेस थे उनका जो ट्रायल था वो ज्यूरी की हेल्प लेके किया जाता था। अब हम फाइनली बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस की। द चार्टर ऑफ 1726 इंपावर्ड गवर्नर एंड काउंसिल टू मेक बायलॉज रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस फॉर द रेगुलेशन ऑफ कॉरपोरेशंस, तो चार्टर ऑफ 1726 है जो इसने पावर वगैरह गवर्नर एंड काउंसिल को दी कि वो बायलॉज वगैरह बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, बना सकते हैं जो कॉर्पोरेशंस हैं कॉर्पोरेशंस की रेगुलेशंस करने के लिए, एंड ऑल्सो प्रेस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ सच लॉज एंड रूल्स, और उसमें पनिशमेंट वगैरह भी बताई गई कि अगर कोई ऐसे लॉज को या रूल्स को अगर ब्रीच करता है, वॉयलेट करता है, तो उसको पनिशमेंट क्या देनी चाहिए। बट इट इज नेसेसरी दैट सच रूल्स एंड लॉज वर टू बी रीजनेबल, बट ये जरूरी है कि वो जो रूल्स एंड लॉज वगैरह बने होंगे लेजिस्लेटिव प्रोविजंस के द्वारा वो रूल्स एंड लॉज वगैरह बनाए होंगे एज पर चार्टर ऑफ 1726 वो लॉज ऑफ इंग्लैंड को कॉन्ट्रेरी ना करते हो, कि मतलब वॉयलेट ना करते हो। वर अप्रूव्ड एंड कंफर्म्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो अप्रूव्ड होने चाहिए और कंफर्म होने चाहिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी के द्वारा, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा वो अप्रूव्ड होने चाहिए और कंफर्म होने चाहिए।
Okay guys, thank you for watching my video.